दोस्तों, दुनिया में कोरोना महामारी की दूसरी लहर चल रही है, लेकिन इस बीच वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुका है। फिलहाल दुनिया के 11 देशों में लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है और बाकी देश भी तेजी से वैक्सीन की तैयारी कर रहे हैं ताकि बहुत जल्द इस महामारी से निजात मिल सके। भारत में भी वैक्सीन की उल्टी गिनती चल रही है। भंडारण की सारी तैयारियों के बीच ड्राई रन भी होने वाला है, लेकिन इस बीच बड़ी बात ये है कि ये वैक्सीन एक बार नहीं बल्कि दो बार लगाई जाएंगी, क्योंकि अब तक जो वैक्सीन भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूवल पा चुकी हैं, वो सभी वैक्सीन्स दो बार में लगाई जा रही हैं। लिहाजा बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को दूसरा डोज नहीं मिला तो क्या होगा, क्योंकि हमारे देश में भी एक ऐसा मामला आया है जिसने इस बात पर सवाल खड़ा कर दिया कि वैक्सीन का एक डोज संक्रमण से थोड़ा भी बचा नहीं पाता है। हुआ यूं कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज हमारे देश की वैक्सीन कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल का हिस्सा बने थे, लेकिन पहला डोज लेने के बाद वे संक्रमित हो गए। इसके बाद ही वैक्सीन पर सवाल उठने लगे। तब कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने जवाब में बताया कि वैक्सीन का दूसरा डोज मिलने के 14 दिनों के बाद ही वैक्सीन का असर होता है। वैक्सीन को इस तरह से बनाया गया है कि ये उन लोगों पर प्रभावी होती है जो इसकी दो डोज लें। इसी तरह अमेरिकी वैक्सीन फाइजर को लेकर भी सवाल उठे हैं। इस पर अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग ने कहा है कि फाइजर का पहला डोज लेने पर थोड़ा प्रोटेक्शन तो मिलता है, लेकिन इसका पूरा असर तब भी नहीं होता। इसके मुताबिक पहला डोज ले चुका व्यक्ति अगर ज्यादा वायरल लोड वाले मरीज के संपर्क में आए, यानी जिसमें संक्रमण का स्तर ज्यादा हो, तब डोज के बाद भी संक्रमण की आशंका बढ़ जाती है। फाइजर वैक्सीन के दो डोज 21 दिनों के अंतराल में दिए जा रहे हैं, वहीं मॉडर्ना वैक्सीन के डोज 28 दिनों के अंतराल पर दिए जा रहे हैं। इसी तरह से ट्रायल के आखिरी चरण में पहुंच चुकी भारतीय वैक्सीन को वैक्सीन को 28 दिनों बाद यानी करीब एक महीने के अंतराल पर दिया जाएगा। ये एक प्रक्रिया है जिसे पूरा करने पर ही पक्का होगा कि किसी ने टीकाकरण ठीक तरह से करवाया। तो अगर हम वैक्सीन की दूसरी डोज ना ले सके या लेने में समय का अंतराल ज्यादा हो जाए तो इससे क्या होगा? तब क्या हमें नए सिरे दोबारा पहला और दूसरा डोज लेना होगा या फिर वो भी नहीं किया जा सकेगा? क्योंकि कोरोना वायरस और इसके लिए बनी वैक्सीन नई है, लिहाजा इस बारे में ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है। पहली बार साल भर के अंदर कोई वैक्सीन बनाई गई है और फिलहाल इसके बारे में या इसके साइड इफेक्ट के बारे में भी खास जानकारी नहीं है। इसके बाद भी विशेषज्ञों का ये मानना है कि वैक्सीन का दूसरा डोज भी डॉक्टरों के बताए समय पर ही लेना चाहिए, वरना पहले डोज का असर भी खत्म हो जाता है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी के वरिष्ठ शोधकर्ता डॉक्टर अल्डजा के मुताबिक दोनों डोज को पूरा होने के बाद ही मरीज को वायरस से अधिकतम सुरक्षा मिल पाती है। वैसे अलग अलग वैक्सीन के बारे में कंपनियां अलग अलग दावे कर रहे हैं कि उनसे अधिकतम कितने प्रतिशत सुरक्षा मिल सकती है। वैसे किसी भी वैक्सीन निर्माता ने कोरोना वैक्सीन के बारे में ये दावा नहीं किया है कि उससे 100% सुरक्षा मिल सकेगी। इसी तरह से अगर वैक्सीन का दूसरा डोज लेने आप समय से पहले चले जाएं या काफी दिन बाद जाएं तो भी इसका कोई फायदा नहीं होता है। एक या दो दिन आगे पीछे होने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर समय का अंतराल कई हफ्तों में हो तो फिर वैक्सीन बेअसर हो जाती है। यानी दोनों टीके समय पर लगवाने से ही फायदा है। लेकिन इस बीच आपके लिए अच्छी खबर ये है कि कोरोना के खिलाफ जंग में जल्द टीके के रूप में हथियार मिलने वाला है। देश में पहली इमरजेंसी अप्रूवल ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड को मिल सकती है, इसे भारत में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है। वहीं हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी में वक्त लग सकता है, क्योंकि अभी इसका तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। यहां अब तक एट रिस्क मैन्युफैक्चरिंग एवं DCGI से स्टॉक पाइलिंग लाइसेंस के तहत टीके के 4 करोड़ खुराक तैयार कर ली गई हैं।